सामूहिक सशक्तिकरण, शरणार्थी महिलाओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम, UNHCR की कार्यशाला का प्रभाव और महत्व, सुरक्षा के लिए व्यावहारिक उपाय, शरणार्थी महिलाएं अब खुद को बचाने में सक्षम। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने भारत में शरणार्थी महिलाओं के लिए आयोजित कार्यशाला में लिंग आधारित हिंसा GBV से बचने के उपायों और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को अपनी शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए सजग और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। कार्यशाला में शामिल महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ आत्मरक्षा की तकनीकें भी सीखी। संयुक्त राष्ट्र समाचार की इस खबर में जानें पूरी जानकारी। मेरी शारीरिक सुरक्षा मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, महिलाओं की सजगता जरूरी। दुनिया भर में महिलाओं को हर रोज तरह तरह की असुरक्षा और लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये सोच भी जोर पकड़ रही है कि महिलाओं को अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए सजग और सक्षम बनना जरूरी है। इन्हीं प्रयासों के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए 16 दिनों की सक्रियता अभियान के तहत भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने शरणार्थी महिलाओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें विभिन्न देशों की शरणार्थी महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा से बचने के गुर सिखाए गए। भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के सहयोगी समाज सेवा संगठन बॉस्को द्वारा संचालित केंद्र में अफगानिस्तान, म्यांमार, सोमाली, कंगोली और युगांडा समुदायों की महिलाएं सीखने, परस्पर अनुभव साझा करने और एक दूसरे को सशक्त करने के मकसद से एकत्रित हुई हैं। भारत में रह रही एक शरणार्थी महिला रुकिया बेगम का कहना है, यह जरूरी नहीं कि हमलावर बाहर का ही हो, वह हमारे घर के अंदर भी हो सकता है। कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, स्वयं की रक्षा मुझे ही करनी होगी। रुकिया बेगम ने कई ऐसे हालातों का सामना किया है और उन पर विजय पाई है जहां उन्हें शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस हुआ। रुकिया बेगम के शब्द उस सच्चाई को उजागर करते हैं जिससे अनगिनत महिलाएं हर रोज जूझती हैं, खासतौर पर ऐसी महिलाएं जो अपने घरों या देशों से विस्थापित हुई हैं। दुनिया भर में रुकिया बेगम जैसी 6 करोड़ से अधिक महिलाएं और लड़कियां हैं जो जबरन विस्थापित या देशविहीन हैं और लिंग आधारित हिंसा GBV के गंभीर जोखिम का सामना करती हैं। लेकिन रुकिया बेगम का मानना है कि उनकी शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उनकी है। शरणार्थी समुदायों की महिलाओं में लिंग आधारित हिंसा से संबंधित चिंताएं आम हैं, लेकिन रुकिया बेगम को भरोसा है कि बुनियादी सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। रुकिया बेगम ने विभिन्न समुदायों से आई 46 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का संकल्प लिया। UN शरणार्थी एजेंसी के साझीदार बॉस्को द्वारा संचालित केंद्र केवल एक और कार्यशाला नहीं थी, यह बदलाव का एक क्षण था जहां महिलाओं ने अपनी सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ली और अनिश्चितता भरी दुनिया में हिंसा से बचाव के तरीके सीखे। लिंग आधारित हिंसा GBV दुनिया में सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का कहना है कि संघर्ष की स्थितियों या सुरक्षा की तलाश में अपने घरों और देशों से भागने को मजबूर महिलाओं व लड़कियों के लिए यह जोखिम और बढ़ जाता है। सजगता जरूरी। सत्र की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी सीख से हुई, सजगता ही शक्ति है। इन शरणार्थी महिलाएं में से अनेक महिलाएं अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिकाओं में हैं। उनकी अवलोकन क्षमताएं परखने के लिए एक दिलचस्प वीडियो दिखाया गया। इस प्रशिक्षण की संचालक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग UNDSS में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी दीपांजलि बख्शी ने कहा, ध्यान न देने पर हम कितना कुछ नजरअंदाज कर देते हैं, यह आश्चर्यजनक है। प्रशिक्षण में महिलाओं ने अपनी 6 इंद्रियों को तेज करने का महत्व सीखा, अपनी मूल वृत्ति पर ध्यान देना,
अपने आसपास के माहौल को समझना और संभावित खतरों की पहचान करना सीखा। इनके अलावा तस्वीरों में अंतर खोजना या आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी जगह की पहचान करना जैसी गतिविधियों के जरिए महिलाओं ने महसूस किया कि कुछ क्षणों की सतर्कता सुरक्षा व खतरे के बीच का अंतर समझाकर मददगार साबित हो सकती है। आप बेटियों की शक्ति। भारत में UNHCR के सह सुरक्षा अधिकारी सेलिन मैथ्यूज का कहना है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखने से महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और उनके दैनिक जीवन की चुनौतियों के प्रति उनके संघर्ष की आपबीतियों को सुनना प्रेरणादायक अनुभव था। इन दास्तानों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से साझा किया गया जिससे वो व्यावहारिक शिक्षा की नींव बन गईं। समूह ने खतरों से बचने, विवादों को शांत करने और खतरों की जवाबी कार्रवाई संबंधी रणनीतियों पर भी चर्चा की। कार्यशाला में भाग लेने वाली एमी आंग ने बताया, उनके साहस ने हमें याद दिलाया कि डर को हराया जा सकता है और हम अपनी सोच से अधिक मजबूत हैं। कार्यक्रम के हल्के फुल्के क्षणों में कमरे में तब ठहाके गूंज उठे जब एक प्रतिभागी ने असहज स्थिति से बचने के लिए भाषा नहीं समझने का बहाना बनाया। सुरक्षा के लिए व्यावहारिक उपाय। यह प्रशिक्षण सत्र चर्चा और अनुभव साझा करने से आगे बढ़कर व्यावहारिक उपायों और तकनीकों पर केंद्रित हो गया। यह कार्रवाई की ओर बढ़ा जहां चाबी या पेन जैसी दैनिक चीजों का प्रयोग करके आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई गईं। लेकिन साथ ही दीपांजलि ने प्रतिभागियों को याद दिलाया, लड़ाई से बचना सबसे अच्छा बचाव है। लेकिन अगर बचने का विकल्प नहीं हो तो हमलावर के शरीर के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने का तरीका भी सिखाया गया। वास्तविकता के नजदीक हालात वाले सत्र में महिलाओं ने सीखा कि डर के पलों में भी वे सोच समझकर कदम उठा सकती हैं। सत्र में साइबर अपराध जैसे आधुनिक खतरों पर भी चर्चा की गई जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को अधिक प्रभावित करते हैं। प्रतिभागियों ने डिजिटल सुरक्षा के उपाय सीखे और एक दूसरे के साथ ऑनलाइन सुरक्षित रहने के सुझाव साझा किए। साहसी समुदाय का निर्माण। इस प्रशिक्षण का मकसद केवल व्यक्तिगत सुरक्षा ही नहीं था बल्कि महिला मजबूती की ऐसी लहर पैदा करना भी था जो पूरे समुदाय में फैल सके। हर महिला नई कौशल और ताजगी भरे आत्मविश्वास के साथ वापस लौटी इस तैयारी के साथ कि उन्होंने जो कुछ सीखा है उसे अपने परिवार और समुदाय के साथ साझा करें। इस आयोजन ने गहन मुद्दों पर चर्चा का अवसर भी प्रदान किया जैसे सहमति की परिभाषा और दबाव की स्थिति में पालन करना। दीपांजलि ने बताया कि जीवित रहने के लिए हाँ कहना सहमति नहीं है, यह कई प्रतिभागियों के लिए बेहद मुक्तिदायक विचार था। रुकिया के शब्द पूरे सत्र में गूंजते रहे, वहीं एमी ने एक आशावादी दृष्टिकोण जोड़ा, कोई भी बुरा अनुभव हमें घर के अंदर रहने और अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, हमें हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए। लिंग आधारित हिंसा GBV की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए शुरुआती एवं प्रभावी उपाय जीवन रक्षक व परिवर्तनकारी होते हैं। दुनिया भर में ये कार्यक्रम विस्थापित और देशविहीन महिलाओं एवं लड़कियों के साथ साथ उनके मेजबान समुदायों के जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं।